पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम में मैं मंगत राम और मैं रमा पांडे आपका स्वागत करते हैं। आकाशवाणी अभिलेखागार के समृद्ध संकलन से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध सितार वादक पंडित देबू चौधरी को। आप इस कार्यक्रम में उनके जीवन परिचय के साथ साथ उनके सितार वादन का भी आनंद ले सकेंगे। संगीत के क्षेत्र में देबू के नाम से लोकप्रिय पंडित देबू चौधरी का वास्तविक नाम देवव्रत चौधरी है। पंडित देबू चौधरी सेनिया घराने के सितार वादक हैं। उनकी गिनती भारत के प्रसिद्ध सितार वादकों में होती है। उनकी वादन कला में कलात्मकता, लय और शालीनता का हृदयग्राही समन्वय देखने को मिलता है। उनका जन्म सन 1935 में माय मेनसिंग में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। उनका नाम देबू चौधरी कैसे पड़ गया, ये उन्होंने आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया। तो देवव्रत नाम जो है, या आप सब जानते महाभारत का नाम है, भीष्म का एक और नाम है। कलकत्ते में तो कोई इसका समस्या नहीं हुई। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में रेडियो में आज भी मेरा नाम देवव्रत है, टेलीविज़न में देबू चौधरी हो गया मुझे। तो लोग इस बात को, जब हमें नाम से पुकारते थे, नाम से चिट्ठी आती थी, स्पेलिंग होता था DEVVRAT, कोई लिखते थे DOVRAT, कोई करते थे देवव्रत देवव्रत करते करते, तो मेरा जो निक नेम है, सब लोग मुझे घर पे बुलाते थे। नहीं, घर पे तो छोटू के नाम से जाने जाते थे। कॉलेज में जब पढ़ते थे, मेरा नाम शॉर्ट देबू कर दिया था इन लोगों ने। तो मैंने सोचा, जब दिल्ली में आके इस नाम में इतनी परेशानी हो रही, क्यों ना हम इसको देबू ही चलने देते हैं। जो बुलाने में आसान होता है, चाहे गाली दीजिए चाहे प्यार से कहिए दे, तो उसमें देबू कहना आसान पड़ता है। तो धीरे धीरे नाम बदला। मैं देखा कि ये नाम फिर इंटरनेशनली जब जाने लगा मैं, तो फिर ये नाम हमारा परिचय बन गया, देबू, पंडित देबू चौधरी। उनकी आयु मात्र 4 वर्ष की थी जब उनका परिचय सितार से हुआ। सितार से हुआ उनका ये परिचय प्रेम में परिवर्तित होकर प्रगाढ़ होता चला गया। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने श्री पांचू गोपाल दत्त से ली। बाद में सेनिया घराने के महान सितार वादक उस्ताद मुश्ताक अली खां के सानिध्य में उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत साधना की। अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने कहा था, मेरी पैदाइश अंग्रेजी जो सन है 1935 में हुई। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मेरी पैदाइश एक शहर में, उसका नाम है राम गोपालपुर, और ये मैमनसिंह एक ज़िला है उसके अंदर है, और ये बांग्लादेश में है। मगर फिर भी आज तक हमारे पुश्तैनी, जो हमारी जो परिवार, मतलब वर्धिष्णु कहते हैं परिवार, इसमें हमें कोई खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। और मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे, उस ज़माने की बात कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं बस सर्विस आज कहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर में बहुत नाम कमाए थे उस ज़माने में। मैं बता दूं, मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय विश्वेश्वर चौधरी। उन्होंने 1947 में आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में पहली बार सितार बजाया। आकाशवाणी पर उनके सितार की पहली एकल प्रस्तुति वर्ष 1948 में हुई। उस वक्त उनकी आयु थी मात्र 12 वर्ष। 47 में मैं रेडियो में पहली बार बजाया था बच्चों का, उसके नाम होता था गोल्पो दादूर आशर, जयंत चौधरी चलाते थे, मुझे अभी तक याद है। उसके दूसरे साल 48 में मैं रेडियो में ऑडिशन दिया, पास हो गया। उस वक़्त रेडियो आर्टिस्ट कहना बहुत बड़ी बात होती थी, आज तो कुछ नहीं है, मगर सी क्लास आर्टिस्ट हो गया मैं, मगर आर्टिस्ट तो हो गया। 25 रुपये फीस है, और मेरे गुरु जी जो थे, जिनसे मैंने सीखा 43 से, वो थे स्वर्गीय, अभी तो नहीं है, पंडित पांचू गोपाल दत्त।
अपने गुरु उस्ताद मुश्ताक अली खां को याद करते हुए उन्होंने कहा था, मेरे गुरु जी उस्ताद मुश्ताक अली खां साहब कहते थे, बेटा देख जब तक तू जिएगा सीखता रहना। जब मैंने उसे सीखना शुरू किया तो 48 में मैं, मुझे याद है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होता था उस ज़माने में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पास करना था कि मेरे पिताजी ने कहा से दर बंद करो पहले पास हो जाओ। फिर मैं 38 से लेकर 48 तक हमारे गुरु जी का बहुत नाम था, वो एक बादशाह थे, ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होता था उनके बगैर। तो मैं सुनता था उनको रेडियो में रोज़, उस ज़माने में रेडियो बहुत लोग सुनते थे। तो मैं बड़ी मुश्किल से उनके पास पहुंचा, एक सीखना शुरू किया। उन्होंने कहा बेटा देखो बेटा तुमको सब भूलना पड़ेगा। तो आप देखिए मेरे मन में इतनी श्रद्धा तब से थी, मैंने कहा ठीक है तुम सारे गामा से शुरू करो, हम करेंगे। दो पर्दे काटो, इस सर्दे में सितार में हमारे पर्दा इसको कह दें, सात स्वर है हमारे यहाँ, कोमल गंधर कोमल निषाद नहीं होता, ये नहीं है, ये नहीं है। तो दोनों निकालने से ऐसे बहुत सारे राग है, जैसे देश है मियाँ के मलार है, हमें इसको खींच के बजाना पड़ता है। बॉम्बे लीन बहुत नई बात थी, तो मैं सोचता था मैं तो रेडियो आर्टिस्ट हूँ, मैं क्यों सारे गमा करूँ। फिर मैंने हार नहीं माना, शुरू किया, सीखना शुरू किया, धीरे धीरे चलते रहे। फिर जब 2 साल हुआ 1950 में उन्होंने कहा अच्छा तुम आप शुरू कर दो बजाना रेडियो में। 2 साल में उन्होंने हमें सिखा कर देखा, नहीं ये जाएगा नहीं छोड़ के। तो कुछ दुख उनको भी बहुत मिला, इसलिए वो बहुत हम पर पहले विश्वास नहीं करते थे, बाद में बहुत मुझ पर भरोसा हुआ। पंडित देबू चौधरी का जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन के संघर्षों को याद करते हुए पंडित देबू चौधरी ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत कठिन डगर था। मिस में रहता था, मिस के बाद मैं, क्योंकि 200 रुपये की नौकरी थी उस ज़माने में, 200 रुपये बहुत था, मगर किराया कमरे का, बस का किराया, खाना दो वक्त का 200 रुपये में नहीं होता था। एक कमरे में चार चारपाई हम लोग शेयर करते थे, 15 नंबर बस में जाते थे, एक बार खाना खाते थे। और 4-5 महीने के बाद हमारा नाम ट्रांसफ़र हुआ कलकत्ते से। मैं रोता था, मैं हर रोज़ माँ बाप को छोड़ के रहा पहली बार ज़िंदगी में। तो इतने में मेरे बड़े भाई नौकरी छोड़ के चले गए अमेरिका, अकेले पड़ गया मैं। तो उस वक्त मुझे याद है साल में 6 बार मैं कलकत्ता जाता था माँ बाप से मिलने के लिए, मगर वो जो माँ बाप से बिछड़ के वो जो मुझे गम था, वो गम मुझे थोड़ा सा मदद किया कि सख्त बनने में, नहीं तो हम संघर्ष नहीं कर पाते। मेरी जिंदगी एक संघर्ष, एक कहानी मेरी ज़िंदगी में। मैं अगर संघर्ष के बाद आज मैं दोहराता नहीं इसलिए कि पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। मैंने कहा ना मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। क्या नहीं मिला टैगोर ने कहा, उसके लिए मेरा मन राजी नहीं है, जो मिला मैं आगे चल के देखूँ। आकाशवाणी के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में उनकी पहली प्रस्तुति वर्ष 1963 में हुई। तब से लेकर वे संगीत के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सफलता के सोपान चढ़ते गए। वर्ष 1971 में वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के कलाकार बने। उनकी गिनती आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्षस्थ कलाकारों में होती है। संगीत के क्षेत्र में देबू चौधरी अपनी लगन, मेहनत और अपने गुरु के आशीर्वाद से भारत के शीर्षस्थ कलाकारों में जाने जाते हैं। आज तक मेरी एक रिकॉर्ड है, मैंने किसी के पास जाके नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम दो, आज तक की बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम दो, मुझे ये कर दो वो कर दो। जो मिला मैंने संघर्ष करके मिला। आपके रेडियो की बात करूँ, मैं टॉप क्लास बना 71 में, बहुत कम कलाकार तब बने टॉप क्लास में। मैं किसी ने मुझे बोला नहीं आ जाओ टॉप क्लास ले जाओ। मैं एक क्लास मुझे मिला 69 में, मुझे किसी ने नहीं कहा कि भाई, मेरा ये था कि मुझे आगे बढ़ना है और ये रास्ते में ऐसी रुकावटें आएंगी, आपको इसको झेलना है, आगे बढ़ना है, आग पे चलना है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे मिसाल लो और मैं अपने गुरु को
प्रतिष्ठा जो उनको नहीं मिली थी, जिन लोगों ने नहीं दिया था, मैं उनके अपनी जगह बनाऊंगा। आज आप लोग सुनकर खुश होंगे कि उनके नाम से एक संस्था हमने बनाया। देखिए दिल्ली में एक भी संस्था नाम लीजिए जो अपने गुरु के लिए बनाया, नाम लीजिए किसी का, ढूंढना पड़ेगा आपको। उस्ताद मुश्ताक अली खान सेंटर फॉर कल्चर। आइए अब सुनते हैं पंडित देबू चौधरी से सितार पर राग भैरवी में एक धुन। पंडित देबू चौधरी ने 8 नए रागों विश्वेश्वरी, पलास सारंग, अनुरंजनी, आशकी ललित, स्वानंदेश्वरी, कल्याणी बिलावल, शिव मंजरी और प्रभाती मंजरी की रचना की। राग विश्वेश्वरी की रचना के संदर्भ में उन्होंने कहा था, देखिए मिसाल दो एक बात कहूँ, 1970 में मरहूम उस्ताद आमिर खान साहब हमारे घर खाना खाने आए थे, तो मैंने उनको मेरी पहली कल्पना राग विश्वेश्वरी उनको सुनाया। मेरे पिताजी का नाम विश्वेश्वर चौधरी था, तो मेरे मन में आया जब रागेश्वरी हो सकता है, भागेश्वरी हो सकता है, तो विश्वेश्वरी के नाम से। तो उन्होंने मुझे जो बात कहा था मैं आज तक भूला नहीं कि देख देबू, तानसेन के बाद कब का गाना बजाना ख़त्म हो जाता अगर लोग नहीं सोचते और आगे के लिए नहीं सोचते, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है। हम सोचते रहते हैं किसी की भलाई, उसकी अच्छाई ले के और इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे गुलदस्ता बनते हैं। पंडित देबू चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत और कला विभाग के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया जिसमें वाद्य संगीत में एक ही राग पर आधारित दुर्लभ रचनाओं के संकलन का कार्य किया जा रहा है। पंडित देबू चौधरी न सिर्फ एक गुणी कलाकार हैं बल्कि एक सफल शिक्षक भी हैं। सिर्फ भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी कलाकार भी उनके शिष्य हैं। उन्होंने संगीत पर आधारित 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सितार एंड इट्स टेक्निक्स, म्यूजिक ऑफ इंडिया और ऑन इंडियन म्यूजिक। संगीत के शोधार्थी छात्रों को भी उन्होंने गाइड किया है। उनके छात्रों में से बहुत से संगीत के शिक्षक और कलाकार बन चुके हैं। सितार पर बोले रे पपीहरा गीत बजाकर पंडित देबू चौधरी ने
सेनिया घराने की विशेषता रेखांकित करते हुए कहा, देखिए बोले रे बाबे, है ना? हाँ, तो अब क्या ताना देखिए, इसकी ताने अलाउड नहीं है दादा। कैसे इसमें कैसे आ गया, कैसे फिटिंग कर गए? तो वो लोग जो ऐसे बड़े बड़े थे, लोग ऐसे बड़े नहीं हुए। अब है गाना तो सैनियों में दो तीन चीज हमें मानना पड़ेगा, रीत, सच्चाई, शुद्ध वाणी, बुनियाद, उसके बोल, उसके स्थाई, उसके अंतरा, संचारी अभोग। संगीत की परंपरा को बनाए रखने और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया, आइए जानते हैं। कम से कम इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम हमारे बुनियादी ढांचे को, बुनियादी परंपरा को हम ऐसे मिटा नहीं सकते। देखिए सच्चाई की कीमत, सच्चाई की मांग हमेशा थी, हमेशा रहेंगे, कभी नहीं मिटा सकते हैं। दूसरी बात है, परफॉर्मिंग आर्ट कुएं का पानी नहीं है, झरना का पानी है, बहती हुई, और ये झरना बहती जाती है, अपनी जगह बना लेती है। पंडित देबू चौधरी को कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। देश और विदेशों में सम्मानित विद्वान और कलाकार होने के नाते पंडित देबू चौधरी को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मानद डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। संगीत में उनके योगदान के लिए 26 जनवरी 1992 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1993 में उन्हें दिल्ली स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वामी हरिदास सम्मेलन मुंबई की ओर से उन्हें रसेश्वर सम्मान मिल चुका है। 1996 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित देबू चौधरी आज भी संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं और दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। आइए अब सुनते हैं पंडित देबू चौधरी से सितार पर राग पलास सारंग, जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की है। अब हमें यानी मंगतराम और रमा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।